नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भरत ट्रांसपोर्ट टेक में। आज हम आपके लिए अशोक लेलैंड की चीता BS6 बस चेचिस के बारे में रिव्यू वीडियो लेकर आए हुए हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं इस गाड़ी की मॉडल की, तो इस गाड़ी का मॉडल का जो नेम है वो है चीता 2010 2T6R। तो बात कर लेते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ की, तो जो इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ रहने वाली है वो रहने वाली है 10 मीटर, यानी कि 918 mm की इसकी टोटल ऑल लेंथ रहने वाली है, जो कि 10 मीटर कंप्लीट हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों इसके ओवरऑल वेट की, तो 16,200 kg का इसका ग्रॉस वेट होने वाला है। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं रेयर ओवर हैंग की, रेयर ओवर हैंग इसका 3100 mm का रहने वाला है फ्रेंड्स। और बात करते हैं यहाँ फ्रंट ओवर हैंग की, तो फ्रंट ओवर हैंग जो है तो 1484 mm का है इसका रहने वाला है। व्हील बेस की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो कि दोनों टायर के बीच की दूरी है, 5156 mm का इसमें व्हील बेस रहने वाला है फ्रेंड्स। गाड़ी के इंजन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो गाड़ी में 197 हॉर्स पावर का इंजन दिया हुआ है, जो कि 147 kW की पावर प्रोड्यूस करता है @ 2400 rpm में। मैक्सिमम पावर की बात कर लेते हैं इस गाड़ी की फ्रेंड्स, तो 700 Nm का टॉर्क जनरेट करती है गाड़ी 1200 से 1900 rpm में। और उसी के साथ साथ गाड़ी की क्लच की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इस पे 380 mm का डायमीटर डाइफॉर्म टाइप का क्लच इस पे दिया हुआ है, जो कि एयर असिस्टेड हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ क्लच इसका है। बात करते हैं इसके गियर बॉक्स की फ्रेंड्स, तो इस पे जो गियर बॉक्स दिया हुआ है वो 6-speed साइक्रोमैश विथ ओवर ड्राइव केबल शिफ्ट सिस्टम के साथ इसका गियर बॉक्स दिया हुआ है, जिसका लीवर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही छोटा सा लीवर एकदम से हो गया है केबल शिफ्ट के साथ होने के साथ। यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं 6 गियर है फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर के साथ ही गाड़ी आती है यहाँ पे। उसी के साथ साथ इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे तो जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है वो शैकल कमानी के साथ आता है, देख सकते हैं यहाँ पे आप झूला मुक्की लगी हुई है और ये यहाँ पे एक बीच में शॉकअप दिया हुआ है फ्रेंड्स। बात करते हैं इसके रेयर सस्पेंशन की फ्रेंड्स, रेयर सस्पेंशन में भी शैकल एंडेड सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स दी हुई हैं और सपोर्टर्स के साथ इसमें यहाँ पे कमानी दी गई है फ्रेंड्स, जो कि ओवरलोडिंग में बहुत ही काम देती है और ख़राब रोड में बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है शैकल कमानी के दौरान। बात करते हैं फ्रेंड्स इस गाड़ी की स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग इस गाड़ी में पावर असिस्टेड स्टीयरिंग दी हुई है और बहुत ही शानदार छोटा सा यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं प्रोवाइड करवाया गया है इस गाड़ी में। ब्रेक्स की बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, तो फुल स्केम एयर ब्रेक्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए हैं। टायर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, टायर इसमें 1020 के टायर प्रोवाइड करवाए गए हैं कंपनी के द्वारा। बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की फ्रेंड्स, तो इस पे 24 वोल्ट का 150 एम्पियर की बैटरी दो प्रोवाइड करवाई गई हैं, 85 एम्पियर का अल्टरनेटर यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है फ्रेंड्स। बात करें यहाँ पे फ्यूल टैंक की फ्रेंड्स, तो इसमें 185 लीटर और 239 लीटर के एल्युमिनियम स्टील एल्युमिनाइज्ड स्टील के दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे 239 लीटर का टैंक यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है कंपनी के द्वारा फ्रेंड्स। उसी के साथ साथ यहाँ पे DEF टैंक दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, जिसकी कैपेसिटी 20 लीटर समथिंग है। यहाँ पे गाड़ी का SCR यूनिट दिया हुआ है, जिससे कि जो कि मेन चेंजेस BS6 में आए हुए थे, सेलेक्टिव कैथलेटिक रिडक्शन यूनिट यहाँ पे गाड़ी का दिया हुआ है, जिससे कि हार्मफुल गैसेस रिड्यूस होके यहाँ पे एक्सहेल निकलता है गाड़ी का, कंबर्शन होने के बाद जो भी गाड़ी के हार्मफुल गैसेस हैं वो इसमें प्रोसेस की करके यहाँ से बाहर होती हैं फ्रेंड्स। तो ये कुछ इस गाड़ी का रिव्यू रहा है फ्रेंड्स, और आपको दिखा देते हैं यहाँ से डिटेल्ड व्यू। यहाँ पे प्रॉपर्ली शाफ्ट आ जाती है गाड़ी की, आप देख सकते हैं ये गाड़ी का प्रेशर टैंक पे जो प्रेशर सप्लाई हो रहा है इंजन से प्रेशर निकालने के बाद, यहाँ पे देख सकते हैं आप स्प्रिंग माउंटेड दिया हुआ है, जिससे कि कभी भी जंपिंग होने में इंजन मूवमेंट होने में कभी भी ये पाइप यहाँ जॉइंट से लीक नहीं हो। देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्रेशर टैंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 3, ये चौथा भी है यहाँ पे फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे गाड़ी की छिकनी दी हुई है फ्रेंड्स, जिससे कि ओवर प्रेशर जब भी होता है तो वो इस छिकनी के थ्रू निकलता रहता है बाहर जाता है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है फ्रेंड्स। और भी डिटेल्स आपको बता देता हूँ मैं, इस गाड़ी में 2 सेंटर बैरिंग झूले दिए हुए हैं, एक यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पे दी हुई है सेंटर बैरिंग। इसकी भी शाफ्ट फ्रेंड्स यहाँ पे 3 टुकड़े में दी हुई है गाड़ी की, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा यहाँ पे क्रॉस होल्डर आ जाता है क्रॉस के साथ, यहाँ पे चिलम झिरी और क्रॉस होल्डर आ जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये तीसरा टुकड़ा वहाँ पे जा रहा है क्राउन में। पीछे भी यहाँ पे 2 शॉकअप्स दिए हुए हैं शैकल कमानी के साथ। यहाँ पे आ जाती है गाड़ी की स्टेपनी, चलते हैं पीछे गाड़ी के,
देख लेते हैं पीछे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे स्टॉपर्स दिए हुए हैं, कभी भी गाड़ी कहीं पार्क करनी हो आपको तो ये आप स्टॉपर्स यूज़ कर सकते हैं। पीछे टेल लैम्प पे आ जाते हैं, बहुत ही प्यारा, छोटे छोटे टेल लैम्प्स दिए हुए हैं, इंडिकेटर लाइट, ब्रेक प्लस पार्किंग लाइट्स और बैक गियर लाइट्स। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे अशोक लीलैंड द्वारा सेटअप दिया हुआ है फ्रेंड्स। देख सकते हैं यहाँ पे वायरिंग के लिए ट्रे पूरी लगाई हुई है, अलग से इंस्टॉल की गई है यहाँ पे, जिससे कि जो भी वायर गाड़ी में जा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से जाएँ। ये यहाँ पे इसका फुली इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड स्विच आ जाता है, जो कि एक छोटा स्विच स्टीयरिंग व्हील के पास दिया हुआ, जो कि अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। उसको टच करने से ये यहाँ की पावर सप्लाई कट ऑन और ऑफ हो जाती है। ये कटआउट लगा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कटआउट। उसी के साथ साथ फ्रेंड यहाँ पे वाटर सेपरेटर आ जाता है और ये पंप आ जाता है गाड़ी एयर लेने पे। ये पंप मार के आप यहाँ से एयर निकाल सकते हैं गाड़ी की और गाड़ी चालू हो जाएगी यहाँ से, कभी भी एयर अगर आपकी गाड़ी लेती है तो। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये गियर बॉक्स का कंट्रोल है गाड़ी का। उसी के साथ साथ यहाँ पे अभी जो नया बिल्कुल चेंजेस किया गया है वो यहाँ पे फाइबर का पूरा डैशबोर्ड दे दिया गया है और इंजन कवर जो दिया गया है ये आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार ये एक सेटअप बनाया गया है लीलैंड के द्वारा। पहले क्या होता था वो बहुत ही बोनट दिया जाता था, वो सिर्फ एक इंजन कवर दिया जाता था गाड़ी में, और अभी चेंज करके ये पूरा एक सेटअप बना दिया गया है यहाँ पर। ये यहाँ पर गाड़ी की EDAC दी गई है, इसी के अंदर पूरा यहाँ से गाड़ी को इंजन में सिग्नल प्रोवाइड कराने वाला EDC ECU यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे अशोक लीलैंड की चीता, जो कि बहुत ही एक सक्सेसफुल मॉडल है स्मॉल रनिंग रूट्स के लिए, यानी कि अर्बन रोड के लिए, जो कि सब अर्बन एरिया के लिए, जहाँ पे स्टाफ बसेस और ऑर्डनरी बसेस ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटर्स हैं वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इस गाड़ी का एयर फिल्टर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर इनहेल यूनिट जो है एयर फिल्टर का वो लगा हुआ है। यहाँ पे ब्रेक का सेटअप है, ब्रेक बूस्टर और ब्रेक के कंट्रोल से यहाँ से पाइपलाइन वगैरह दी हुई हैं, देख सकते हैं आप। ये कपलर दिया हुआ है, ये किस चीज़ का कपलर है, कोई एक्स्ट्रा वायरिंग का कपलर है यहाँ पे दिया हुआ है, दो तीन कपलर्स हैं यहाँ पे, मे बी वाइपर इंस्टॉल करने का कपलर है। चलिए फ्रेंड्स इसका ड्राइविंग कंसोल आपको दिखा देते हैं गाड़ी का। ये इसकी ड्राइविंग सीट यहाँ पर दी हुई है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर इसका सीट बेल्ट आ जाता है, ये इसका सामने यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स आ जाता है, जो कि अभी बंद है, खोल के आपको दिखा नहीं सकता मैं, गाड़ी बंद खड़ी हुई है। ये इसके वाइपर कंट्रोल्स आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे लीवर के पास में। उसी के साथ साथ यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ पे इसके पावर सप्लाई का मेन स्विच, ये वाला बटन आ जाता है। उसके बाद इंजन अगर आपको ऑप्टिमल कंडीशन में चाहिए पावर के लिए तो यहाँ पर आप इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। उसके साथ ही 4 पॉइंट इंडिकेटर स्विच है, ये बैटरी कट ऑन ऑफ हो रही है आप देख सकते हैं, आवाज़ आ रहा है। उसी के साथ साथ ये SCR यूनिट का जो भी हार्मफुल जो स्टोरेज रहता है उसको आप कहीं पे क्लीन कर सकते हैं सेफ फुल एरिया में जाके। ये गाड़ी जब डाउन हो रही होती तो हील असिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पे इसका ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, देख सकते हैं आप। इसकी स्पीड दी हुई है यहाँ पर, जो कि 180 तक जा रही है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। ये इसका फ्यूल गेज है, ये अभी मीटर बंद पड़ा हुआ है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन क्लस्टर इसी में आते हैं, जितनी भी लाइट्स वगैरह हैं इसी में आपको गाड़ी का किलोमीटर रनिंग है और जो भी लाइट्स वगैरह हैं सब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये यहाँ पे इसका टेम्परेचर मीटर आ जाता है, देख सकते हैं आप, और ये RPM है, जो कि इन 200 है। 3500 RPM तक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में मैंशन किया गया है, बट ये गाड़ी 3200 RPM तक रेस होती है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर रहा है फ्रेंड्स। तो ये रहा इस गाड़ी का एक पूरा ओवरऑल रिव्यू। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके और आप बताइएगा हमको कि आप इस गाड़ी के बारे में क्या और जानकारी चाहते हैं फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।